मद्रास में चेन्नई के एक छोटे से गांव में एक राम मंदिर था। भगवान श्री राम के उस मंदिर के नजदीक एक नदी बहती थी जिसका प्रवाह बहुत तेज था। गर्मियों में वो नदी सूख जाती थी और जब बरसात का मौसम आता तो नदी भर जाती थी। बहुत लोगों ने प्रयास किया कि नदी पर बांध बन जाए, पर हर बार प्रयास निष्फल हो जाते थे। इस कारण गाँव वालों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी और बरसात के मौसम में काम पर भी असर पड़ता था। एक बार एक अंग्रेज अफसर उस गांव में कलेक्टर बनकर आए। इस बार उनकी जिम्मेदारी थी उस नदी पर बांध बनाने की। उन्होंने सुन रखा था कि इस नदी पर जब भी बांध बनाया गया वो हमेशा टूटकर बह गया। अंग्रेज अफसर इसी चिंता में था कि बांध बनाने की शुरुआत की जाए या नहीं। इसी सोच में एक दिन वो अंग्रेज अफसर घूमते हुए उस नदी किनारे पहुंचे। उसने देखा कुछ लोग राम मंदिर में पूजा कर रहे हैं। उसने पूछा, आप सब ये क्या कर रहे हो और ये कौन है? ये भगवान श्री राम है और ये अपने साथ धनुष क्यों रखते हैं? ताकि ये मुसीबत में भक्तों की रक्षा कर सके। और जो इनके साथ खड़ी हैं? ये सीता माता हैं, राम जी की धर्म पत्नी। और जो नीचे बैठे हैं? ये राम जी के भक्त हैं, हनुमान। और राम जी के साथ कौन खड़े हैं? ये राम जी के भाई लक्ष्मण जी हैं। ये ऐसा क्या करते हैं जो आप इनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो? ये हम जैसे लोगों की मनोकामनाएं पल में पूर्ण कर देते हैं। अच्छा, सचमुच कितना मोहक रूप है इनका। अरे, ये यहाँ पत्थरों का ढेर क्यों इकट्ठा किया गया है? साहब, इस मंदिर का निर्माण कार्य धन के अभाव में काफी समय से रुका हुआ है, इसी कारण ये पत्थर भी ऐसे ही रखे हैं। अच्छा, तुम कह रहे थे कि भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, क्या ये मेरी इच्छा पूरी कर देंगे? हाँ साहब, आप जब भगवान से सच्चे मन से मांगोगे तो वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अच्छा, फिर तो मैं भी इनसे एक इच्छा रखता हूँ। अगर इन्होंने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी तो मैं अपने खर्चे से यहाँ विशाल मंदिर बनवा दूंगा। सचमुच कलेक्टर साहब, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम सब गांव वाले इस बात से बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे भगवान के सामने ये प्रार्थना करता हूँ, अगर इस बार बांध बनने के बाद अगर बारिश में नहीं टूटा तो मैं भी अपने खर्चे से यहाँ राम मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। भगवान के सामने कलेक्टर साहब ने ये वादा कर दिया और वहाँ से चले गए। कुछ दिनों में बांध बनकर तैयार हो गया। प्रभु तो विचित्र लीला करते हैं। अंग्रेज अफसर सो रहा था, अचानक से झटका लगा। बारिश बहुत तेज होने लगी, बादल गरजने लगे। ये देखकर सब घबरा गए। गांव के लोग जानते थे कि बांध हर बार बारिश में टूट जाता है। अब कलेक्टर साहब उठे, कमरे से बाहर आए और बांध की तरफ जाने लगे। पीछे पीछे नौकर भी चल रहे थे। साहब रुक जाओ, मत जाओ, आगे बहुत खतरा है। अफसर को बारिश में कुछ सुनाई नहीं दिया। जैसे ही वो उस स्थान पर पहुंचा, उस स्थान को देखकर उसका मन भर गया। ऐसा झटका लगा जैसा जीवन में कभी उसके साथ हुआ ही नहीं था। अफसर ने देखा बांध अभी कच्चा था, उसकी एक दीवार आज ही बनकर तैयार हुई थी। तभी अफसर को अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में उसे दो नौजवान युवक दिखाई दिए और वो युवक उस बांध के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। बच्चों यहाँ से हट जाओ, दूर हो जाओ, ये बांध कहीं टूट न जाए, पानी तुम्हें बहाकर अपने साथ ले जाएगा। चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा, हम बांध की सुरक्षा कर रहे हैं। अफसर और नजदीक आया, उसने देखा दोनों युवकों ने हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। मैंने इन्हें कहीं देखा है, हाँ याद आया। अरे सुनो, तुम दोनों तो मंदिर में रहते हो, मैंने तुम्हें मंदिर में देखा था। हम मंदिर वाले राम लक्ष्मण ही हैं। तुम्ही ने तो हमसे कहा था कि इस बार बांध नहीं टूटना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारी प्रार्थना सुनकर आ गए। ये तो साक्षात वही भगवान है। अंग्रेज अफसर वहीं उनके चरणों में लेट गया। नौकर भी तब तक वहां आ गए। उन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, भगवान तो सिर्फ अंग्रेज अफसर को ही दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ साहब, आप ठीक तो हो? आप जमीन पर क्यों लेटे हुए हो? ओ देखो, तुम्हारे भगवान इस बांध की रक्षा कर रहे हैं। कौन से भगवान साहब, कहाँ है? वही भगवान जो मंदिर में थे, वो सामने है। हमें तो नहीं दिख रहे। मुझे दिख रहे हैं। अंग्रेज अफसर हाथ जोड़ता हुआ वहां से वापस लौट आया। सचमुच बांध उस रात नहीं टूटा। अंग्रेज अफसर की प्रार्थना भगवान राम ने सुन ली। अफसर ने अपने सरकारी खर्चे से उसी स्थान पर भगवान श्री राम के विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। कहते हैं वो मंदिर मद्रास में आज भी बना हुआ है। सन 1882 से अभी तक वहाँ एक पत्थर पर लिखा हुआ है कि एक अंग्रेज भक्त द्वारा इस राम मंदिर का धर्म कार्य कराया गया, और मंदिर के शिलालेख पर तमिल में लिखा है कि जिसने नदी से बांध की रक्षा की
उसी परमात्मा का ये मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थी। धरती पर उनके जीवन की अवधि भी समाप्त होने का समय आ चुका था, लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी मृत्यु के देवता यमराज भगवान राम के समीप उनके प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थे, जो स्वयं महाकाल का एक रूप है और महाकाल से उनके आराध्य भगवान राम के प्राण छीनने की हिम्मत ना तो किसी काल में थी और ना ही किसी अन्य देवता में। काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना जरूरी था। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी एक अंगूठी महल के किसी छेद में गिरा दी और हनुमान जी से बोले, हनुमान, मेरी प्रिय अंगूठी धरती में वहाँ उस छेद में चली गई है, क्या तुम पाताल लोक से मेरी अंगूठी ढूंढकर ला सकते हो? प्रभु, बस इतनी सी बात, मैं अभी जाता हूँ और शीघ्र ही आपकी अंगूठी लेकर आता हूँ। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने पाताल लोक में चले गए। वो अंगूठी को पकड़ने जाते और वो और नीचे चली जाती। हनुमान जी पाताल लोक में पहुंचे, वहां वो नागों के राजा नागराज से मिले। नागराज ने उन्हें अंगूठियों से भरा एक कक्ष दिखाया। इस कक्ष में बहुत सारी अंगूठी रखी हुई है, आप प्रभु राम की अंगूठी ढूंढ सकते हैं। यहाँ तो बहुत सी अंगूठियां पड़ी हैं। इनमें से प्रभु राम की कौन सी है, ये मुझे देखना होगा। राम जी की युक्ति काम आ गई। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने लगे। इसमें उन्हें काफी समय लग गया। हनुमान जी को अयोध्या में न देखकर यमराज ने अयोध्या में प्रवेश किया और वे एक संत का रूप धारण कर भगवान राम जी के महल में पहुंच गए। तब संत के भेष में यमराज भगवान राम से मिले और भगवान राम से बोले, प्रभु, आपको मुझे वचन देना होगा कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा जाए और जो कोई भी हमारी बातों को सुने उसे मृत्यु दंड दिया जाए। आप निश्चिंत रहिए, मैं इसी क्षण सभी द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया और उनसे कहा, लक्ष्मण, ये मुनिवर मेरे साथ कुछ गंभीर वार्तालाप करना चाहते हैं। तब तक तुम द्वार पर ही पहरा देना और कोई भी अंदर ना आने पाए इस बात का ख्याल रखना, वरना तुम मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाओगे। जो आज्ञा भैया, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। लक्ष्मण के जाने के बाद उस संत ने भगवान राम को अपना असली रूप दिखाया और बोले, हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूँ और आपने ही मुझे ये कर्म दिया है कि इस संसार से समस्त जीव जंतु एवं प्राणियों का प्राण हरना, और ये मेरा धर्म भी है। मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा से आपसे ये कहने आया हूँ कि आपने जो अपना समय इस पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था वो समय पूर्ण हो चुका है और अब आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं में आपको विष्णु स्वरूप में देखकर उत्साह की लहर दौड़ जाएगी। इस पर भी, हे प्रभु, आपको कुछ और समय इस पृथ्वी लोक पर बिताना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम तो अंतर्यामी है, वो यमराज की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम और यमराज के बीच वार्तालाप चल ही रही थी कि इतने समय में भगवान राम के महल में दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। प्रणाम गुरुवर, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें भगवान राम से मिलना है, अभी तुरंत। गुरुवर महाराज, भैया राम अभी किसी से नहीं मिल सकते, उन्होंने किसी को भी कक्ष में न आने का आदेश दिया है, मैं उनके समक्ष नहीं जा सकता। लक्ष्मण की बातों को सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और वो श्राप देने लगे, मेरा इतना घोर अपमान, अगर मुझे राजा राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को अपने श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। अगर मैं इन्हें भैया के महल में जाने दूं तो सिर्फ मुझे ही मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। गुरुवर, मैं भैया को आपके आने की सूचना देकर आता हूँ।
लक्ष्मण भगवान राम के कक्ष में चले गए। लक्ष्मण को सामने देख भगवान राम चौंक गए और यमराज अंतर्ध्यान हो गए। राम जी दुखी हुए कि एक राजा होने के नाते उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। राम जी ने अपने कुलगुरु से इस विषय में वार्तालाप किया। राम, किसी अपने का त्याग करना भी मृत्यु दंड के बराबर है, इसलिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लक्ष्मण ने गुरुदेव और राम जी के बीच हुआ वार्तालाप सुन लिया और वे श्री राम से बोले, भैया आप मेरा त्याग मत करना, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। आपके वचन का पालन करते हुए मैं स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण ने अपने भ्राता श्री राम का वचन निभाने के लिए अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले लिया और फिर भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर में जाकर उत्पन्न हो गए। उसके बाद भगवान राम भी लक्ष्मण के वियोग में थे। उन्होंने भी सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपने परम धाम को चले गए। उसके पश्चात हनुमान जी जब अंगूठी लेकर वापस लौटे तो प्रभु राम को महल में ना पाकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। प्रभु, आपने जानबूझकर मुझे पाताल लोक में भेजा था ताकि मैं आपको रोक ना सकूं। प्रभु, आपकी आज्ञा पाकर मैं धरती पर ही रहूंगा और जहां कहीं भी आपके नाम का भजन और कीर्तन होगा वहां मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी को भगवान राम जी से अमरता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए कहते हैं कि आज भी जहां कहीं पर भी भगवान राम के नाम का भजन कीर्तन होता है वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं।